बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू यशास चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। आज यहाँ मैं आपको चिकन बिरयानी बनाने की रेसिपी सिखा रही हूँ। ये जो बिरयानी है, इसके लिए मुझे सबसे पहले ये 1 किलो के करीब चिकन चाहिए, जो मैंने चिकन ले लिया और आपको नज़र आ रही है। इस चिकन को सबसे पहले मैं मैरिनेट करूँगी। मैरिनेशन के लिए मुझे 2 लेमन चाहिए, जिसको मैं इस पे, ये लेमन जूस है, ये लेमन जूस मैंने इसमें डाल दिया है। लेमन जूस डालने के बाद मिक्स करूंगी, ताकि लेमन जूस, सबसे अच्छा तरीका ये हाथ से मैं अच्छी तरीके से इसे मिक्स करूंगी, ताकि लेमन जो है इस पर आ जाए। फिर मैं इसमें ऐड करूंगी फूड कलर, जो जर्दे का रंग है, तकरीबन 1 चम्मच के करीब। इस तरीके से मैं इसमें जर्दे का रंग ऐड करूंगी। इससे ये होता है कलर, ये जो आ जाता है चिकन के ऊपर, बाहर जो आता है कलर बिरयानी वाला, वो स्टाइल हो जाता है। और 1 चम्मच भर के मैं इसमें हल्दी ऐड करूंगी, और इसको हाथ की मदद से मिक्स करूंगी। ये मैंने मिक्स कर रही हूँ, ताकि जो कलर है हमारा सब चिकन पर लग जाए। इसको मैं चिकन को मैरिनेट कर दूंगी तकरीबन 1 घंटे के लिए, कलर इसमें लगा के 1 घंटे के लिए आपको इसको मैरिनेट करना होगा। जी देखिए, मैंने मैरिनेट कर दिया और अब इसको मैं 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख रही हूँ। ठीक है, अब मिलते हैं हम 1 घंटे बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने चिकन को मैरिनेट करके रखा हुआ था 1 घंटे पहले। ये देखें, ये इसकी सूरत हाल है। और अब हम अपनी बिरयानी की रेसिपी की तरफ चलते हैं। तेल मैंने पैन में डाल दिया है, ये गर्म हो रहा है, तेल गर्म हो रहा है। साथ ही इसमें 1/2 चम्मच मैं नमक ऐड कर दूँगी। ठीक है, नमक, जब तक हमारा तेल गर्म होता है, मैं आपको इंग्रेडिएंट की तरफ ले चलती हूँ। बिरयानी बनाने के लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट की ज़रूरत है, 1 किलो चिकन है, 3 बड़े अदद आलू हैं, 4 टमाटर हैं, 4 दरमियानी साइज़ के प्याज हैं जो मैंने काट के रखे हैं, ये गरम मसाला है, तेज़ पत्ता है, और इसमें बादाम के फूल हैं, और ये जो है पिसा हुआ धनिया है। बिरयानी मसाला लिया है मैंने, ये 2-3 टेबल स्पून है भर भर के, 1 पाव के करीब दही है, नमक हंसकी ज़रूरत, हल्दी 1 टीस्पून है, और ये खड़ा गरम मसाला है हंसकी ज़रूरत, और हरा धनिया और पुदीना हमें चाहिए दम के लिए, जो हम उसकी तह लगाएंगे, और ये हरी मिर्चें हैं। ठीक है, और ये आलू है, या ऑप्शनल है, जो लोग पसंद करते हैं वो आलू डालें, और जो नहीं पसंद करते वो ना डालें। या मेरी फैमिली में आलू पसंद किए जाते हैं, तो मैं आलू डालूँगी। अब पैन में मेरा ऑयल गर्म हो चुका है, अब हम थोड़ा सा जो हमने इसमें नमक ऐड किया था वो मिक्स कर लूँ। साथ में आलू जो है फ्राई करूँगी, 1-1 करके डालूँगी, क्योंकि आलू गर्म है तो ठीक है, आ जाएंगे इसमें। ठीक है, मेरे आलू फ्राई होंगे, आलू को मैं फ्राई करूँगी। ये सिर्फ 1-2 मिनट मैंने फ्राई करना है बस, कि ये थोड़े से लाइट गोल्डन से हो जाए, ताकि जब भी बिरयानी में जाएंगे तो अच्छे लगेंगे। और साथ ही मैंने जो है आज मैं सैला चावल की बिरयानी बनाई हूँ। वैसे तो बासमती की बहुत मज़ेदार बनती है,
लेकिन मैं आज पहला चावल की बिरयानी बना रही हूँ। तकरीबन 1.5 किलो पनीर मेरे पास चावल है, जो मैंने 2 घंटे पहले भिगो दिए थे। ठीक है, थोड़े से मेरे जो आलू हैं ये थोड़े ब्राउन हो जाएं, डार्क ब्राउन भी नहीं हो और लाइट ब्राउन भी नहीं हो, बस अच्छा सा कलर आ जाए इनके अंदर। मैं जब तक ये अपना अदरक लहसुन का पेस्ट पीस रही थी, क्योंकि ये पिसा हुआ नहीं था, ये मैंने पीसा है। ये अदरक लहसुन का पेस्ट जो है ये तकरीबन 2 टेबल स्पून है भर भर के। बेसिकली मेरे घर में ना बिरयानी बहुत 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 शौक से खाई जाती है। यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड हर दूसरे दिन मुझसे ये कहते हैं कि भाई आज बिरयानी बना लो, आज बिरयानी बना लो। और मैं इतनी बिरयानी बनाती हूँ, इतनी बिरयानी बनाती हूँ, मैं बिरयानी बना बना के एक्सपर्ट हो गई हूँ। अब अगर मेरे घर 8 से 10 अफराद भी आ जाते हैं ना, तो मैं घबराती नहीं हूँ, फटाफट बिरयानी बना लेती हूँ। अच्छा, और स्पेशली चलें गोश्त की बन जाए या मटन की बना लें, नहीं बनेगी तो बिरयानी चिकन की बननी, क्योंकि चिकन की पसंद है, चिकन की ज़्यादा प्रेफर करते हैं। बस आज का दिन थोड़ा मसरूफ गुजरा, जैसे मैंने आपको बताया था आज एनिवर्सरी थी और उसकी सेलिब्रेशन में भी कुछ लगी हुई थी मैं, और साथ ये बिरयानी के मामलात भी चल रहे थे। आगे रमज़ान आ रहे हैं, आप लोग ट्राई कीजिएगा। होता है ना बाज़ों का इफ्तारियाँ कर करके भी दिल भर जाता है, तो फिर इंसान ये सोचता है कि यार चलो अब आज इफ्तारी की जगह खाना बना लेना चाहिए। तो आप किसी दिन इफ्तारी को स्किप करें और उसमें ये इफ्तार के टाइम आप ये बिरयानी बनाएं। स्पाइसेस भी इतने ज़्यादा नहीं होते इसमें, बहुत ये होती है ना जैसे बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो गई है, नहीं, क्योंकि मेरे यहाँ नमक मिर्चें दोनों ही कम खाई जाती है, क्योंकि ये डैडी यानी जो मेरे ससुर हैं उन्हें ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है और मेरी सास को भी ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, तो हम नमक का इस्तेमाल कोशिश करते हैं कि ज़रा कम करें। इसलिए मैं बार बार ये कहती हूँ कि नमक हस्बे ज़रूरत, जितना आपको अच्छा लगे। चलिए जी, आलू हमारे तकरीबन ये फ्राई हो गए हैं, ये इनकी कंडीशन है जो आपको सामने नज़र आ रही है। अब हम अपनी चिकन को फ्राई करेंगे। ठीक है, चिकन फ्राई करने के लिए पहले चिकन को मैं एक दफ़ा मिक्स कर लूँगी, क्योंकि जो मैंने 1 घंटे पहले से मैरिनेट करके रखा हुआ था ये एक तरफ ना रह जाए, तो सब जगह लेमन है और इसमें कलर है, ये सब एडजस्ट हो जाए। ठीक है, सबसे पहले मैं ये लेग पीस फ्राई करूँगी, क्योंकि वह ये देखें चिकन जो है मेरी फ्राई हो रही है, इसको भी एक एक दो दो मिनट मैंने बस फ्राई करना है ज़्यादा देर नहीं। अच्छा जी, साथ ही जो हमें इसके साथ जो हमें और चीज़ें चाहिए होंगी वो है केवड़ा। बिरयानी में तय लगाएंगे तो इस केवड़े की बहुत सब्जी महसूस होगी, और ये फूड कलर है। ठीक है, जब हम ये तय लगाएंगे तो हमें कलर की जरूरत होगी। अब ये बिरयानी दो दो मिनट बस मैंने इसको फ्राई करना है, बाकी तो ये जो गलेगी ये बिरयानी में जो हम मसाला भूनेंगे तब ये गल जाएगी। चलिए जी, ये दो दो मिनट इसी तरह से फ्राई करके ऐसे फ्राई होंगी और इसे हम निकाल लेंगे। ये देखें कितना खूबसूरत सा कलर आ गया, बिल्कुल ऐसे ही जैसे देख में बिरयानी होती है ना बाहर से आती है इस तरह की। ये देखिए मैंने चिकन जो है बिल्कुल फ्राई कर लिए, ये फ्राई हुई चिकन आपके सामने है। और अब मैंने पैन अपना चेंज कर लिया, क्योंकि वो नॉन स्टिक कढ़ाई थी, उसमें मैंने सिर्फ जो है चिकन और आलू को फ्राई करना था। अब ये मैंने अपनी पतीली में ऑयल डाल दिया है। अब ऑयल जैसे ही थोड़ा गर्म हो जाएगा, गर्म ही था लेकिन थोड़ा और गर्म हो जाएगा, तो मैं इसमें से प्याज ऐड करूँगी। ठीक है, ये मैंने इसमें प्याज ऐड कर दिए, प्याज को हम सौते करेंगे।
प्याज हम ऐड करेंगे, प्याज हम ब्राउन करेंगे, ना ज़्यादा ब्राउन होनी चाहिए ना ज़्यादा मीडियम होनी चाहिए प्याज। उसके साथ साथ ही फिर अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे ताकि थोड़ी प्याज हमारी गल जाए। चलिए जी, देखिए प्याज तकरीबन मेरी सौते हो गई है, इसमें मैं अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। अदरक लहसुन का पेस्ट डालते हैं और उसको तरीके से भूनूंगी। बेसिकली हर चीज़ जो है ना खाने में, हर चीज़ तब अच्छी बनती है जब उसकी भुनाई अच्छी हुई है। अगर आपके खाने में भुनाई अच्छी हुई है ना, खाना ऑलरेडी ऑटोमेटिकली जो है ना बहुत अच्छा बनता है। अब आप हर चीज़ डालकर, हरा मसाला, खड़ा मसाला, सब कुछ डालकर एकदम चलो ये चढ़ा दो गोश्त, तो फिर तो कुछ भी अच्छा नहीं बनता ना। और दो तीन गिलास उसमें आपने पानी डाल दिया और भाई इंतज़ार करें पानी खुश होगा और चलो भाई खाना खा लिया। ऐसे ही मेहनत होती है हर चीज़ में, खाना तभी अच्छा बनता है जब आप दिल से बनाएं और मेहनत करके बनाएं और उसे अच्छी तरीके से भूनें। पहले मैंने प्याज को फ्राई किया, उसके भूनने का इंतज़ार किया और अब मैं अदरक लहसुन डाल के उसे भूनूंगी। फिर इसमें टमाटर डालेंगे, टमाटर डाल के अच्छी तरीके से भूनेंगे हम। फिर दही डाल के इसे भूनेंगे, देन हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। इस तरीके से ही आप सारी चीज़ें डालें और आप भून लें, इस तरीके से नहीं होगा। ठीक है, अब जैसे ही मेरी प्याज थोड़ी सी घुलने लगेगी तो फिर इसमें मैं टमाटर ऐड करूँगी। चलिए जी, अब हम इसमें टमाटर ऐड करते हैं। टमाटर हम इसमें सब ऐड करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे टमाटर घुल जाएँ, फिर हम इसमें दही ऐड करेंगे। ये देखिए दो तीन मिनट बाद जो है इसकी ये पोजीशन है, टमाटर थोड़े बहुत घुल गए हैं लेकिन अब ये सही तरीके से नहीं हुए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे एक पाव करीब दही रही मेरे पास, हम ये दही ऐड करेंगे। दही डाल के हम इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरीके से भूनेंगे, प्याज, टमाटर और दही को अच्छी तरीके से भूनेंगे, देन हम इसमें मसाला डालेंगे तो ये हमारा जो टमाटर हैं जो खड़े खड़े हैं वो बिल्कुल घुल जाएं। चलिए जी, देखिए 15 मिनट बाद इसकी ये कंडीशन है आपके सामने। अब हम इसमें डालेंगे तमाम मसाले। आप सोच रहे होंगे कि मैं इस 15 मिनट में मैंने क्या किया, इस 15 मिनट में मैंने रायता बनाया और सलाद बनाया जो कि नहीं बना हुआ था। मैंने जल्दी से फटाफट रायता बनाया और सैलेड तैयार किया। अब मैं इसमें डालूंगी तमाम मसाले। सबसे पहले तो ये नमक ऐड करेंगे हम जल्दी, बिरयानी मसाला, थोड़ा सा पिसा हुआ धनिया, गरम मसाला। अब हम अच्छी तरीके से भूनेंगे, मिक्स करेंगे। अब हम इसकी फ्लेम जो है थोड़ी लो कर देंगे ताकि ये भुन जाए मसाला। फिर हम इसमें चिकन ऐड करेंगे और आलू ऐड करेंगे। ये देखिए ये हमारा मसाला तकरीबन बन गया। अब हम इसमें चिकन ऐड करते हैं, चिकन ऐड किए, चिकन ऐड करके थोड़ा सा मिक्स करेंगे हम इसे ताकि तमाम मसाला चिकन पर मिक्स हो जाए। चावल ये मैंने बॉईल करने रख दिए हैं, ये सैला चावल है। मैंने दो घंटे पहले इसको जो है ना भिगो दिया था। अब इसमें मैं नमक ऐड करूंगी, इसमें मैं 3 चमचे नमक ऐड करूंगी, आप अपने हिसाब से ऐड कीजिएगा। ठीक है, साथ ही
तेज़पत्ता है और बादियान के फूल हैं और दालचीनी है, ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। अब ये हमारे जो चावल हैं बॉयल होंगे, बॉयल होने के बाद फिर हम आपको बताते हैं। इतनी देर में मैंने चावल बॉयल करने रखे, अब 2 मिनट हो गए हैं। 2 मिनट बाद हम इसमें आलू ऐड करते हैं और फिर इसे एक दफ़ा मिक्स करेंगे। ज़्यादा मिक्स नहीं करेंगे, ना तो चिकन टूट जाए हमारी और ना आलू टूट जाए, क्योंकि चिकन और आलू दोनों फ्राई हुए हैं, तो बहुत हल्के हाथ से ही ना। और फिर रख देंगे और फ्लेम को स्लो कर देंगे ताकि हमारी आलू और चिकन दोनों गल जाए। चलिए जी, हम वेट करते हैं जब तक हमारे यहाँ चावल बॉयल होते हैं, फिर हम दम देंगे और आपको बताएंगे। ये देखिए, मैंने चावल बॉईल कर लिए। अब ये चावल जो मैंने बॉईल किए हैं, ये एक कनी पे हैं, यानी कि अब जो इसमें जो कनी रह गई है वो बाकी जो हम दम देंगे उसमें पूरी हो जाएगी। ठीक है, अब हम यहाँ हमारे कोरमा तैयार है, अब हम तह लगाते हैं। ठीक है, ये कोरमा हमारा तैयार है, अब हम इसकी तह लगाते हैं। ठीक है, तह लगा दी हमने इसमें। एक लेयर चावलों की है, एक कोरमे की है, एक फिर चावलों की, एक लेयर फिर कोरमे की। अभी हम फूड कलर हम इस पर डाल रहे हैं। ये हरी मिर्ची डालेंगे, कुछ हरी मिर्ची हमने नीचे डाल दी है, कुछ ऊपर, और ये इस तरीके से हरा धनिया और पुदीना हमने इस पर डाल दिया। थोड़ा सा ऑयल है जो मैं ऊपर से डाल रही हूँ और इसे फिर दम पे। चले जी, हमारा दम तकरीबन कंप्लीट हो गया है, मैं आपको अब दिखाती हूँ। ये देखिए, दम हमारा कंप्लीट हो गया, अब हम इसे चलाते हैं। चलिए जी, मैंने ये बिरयानी को मिक्स कर लिया है, खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही है, बहुत मज़े की। हल्के हाथ से चलाएंगे। ठीक है, आलू भी गल गए हैं हमारे, हम इसे डिश आउट करते हैं। चावल देखिए, एक एक चावल अलग अलग है। चलिए जी, फाइनली हमारी बिरयानी रेडी है, सलाद भी आपके सामने मौजूद है, रायता मुझे पसंद नहीं है क्योंकि मैंने रायता रखा नहीं अपने लिए। अब मैं इसे टेस्ट करके आपको बताती हूँ कि ये कैसी बनी है। बहुत मज़े की है, हर चीज़ परफेक्ट है, नमक मिर्चें हर चीज़ बहुत मज़े की है। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा। काइंडली मेरे चैनल को अपने फ्रेंड्स फैमिली सर्कल में शेयर कीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलिएगा। इंशाल्लाह मैं एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।